Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and staying home safe. देखिए ये हम एक ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके अंदर जो मोड ऑफ लर्निंग है वो चेंज हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं ऑनलाइन की तरफ. ऑनलाइन की ईज के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं और उसके सिलसिले में हम आज आपके साथ जो है ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. और ये हमारा टॉपिक, इसके अंदर जो सब्जेक्ट हमारा कवर होगा वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होगा. क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है कुछ डिस्टर्बेंस भी थी तो इसलिए हम तमाम अपने लेक्चर्स जो हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम फ्रॉम द बिगनिंग हम आपको जो है वो आपका लेक्चर्स जो हैं आपको अपने कोर्स कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे. जो चीज़ आप पढ़ चुके थे पहले वो भी रिवाइज होगी और जो चीज़ रिमेनिंग थी हम इसके अंदर वो भी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे. जो चीज़ आप इसमें सीखते जाएंगे देन उसके बाद अगर आपको क्यूरी होती है तो क्यूरी आप जो है वो अपने ग्रुप में जिसमें मैं आपके पास अवेलेबल हूँ आप उसमें वो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है. और जो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होंगी फिर हम उसमें वहाँ पे आपस में डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर कोर्स दैट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? इस सेशन के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आगे जाके जब हम कुछ टॉपिक के ऊपर बात करें या कुछ जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जब हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर अगर हम ये टेक्निकल टर्म्स को जो यूज़ करेंगे ताकि उसके बाद आप उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने की ज़रूरत ना पड़े. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच नहीं है. स्टैटिस्टिक्स एक खुद इट्सेल्फ एक अपना एक अलग सब्जेक्ट है. मैथमेटिक्स जो है वो एक इट्सेल्फ अपना अलग सब्जेक्ट है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैलकुलेशन है जिसके अंदर मैथमेटिक्स यूज़ होती है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ होती है, बट स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है जी, मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है. स्टैटिस्टिक्स की जो बेस है वो बहुत पुरानी है. स्टैटिस्टिक्स को जो है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको आप उर्दू में शुमारियात कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन जो है समझ लें आप कि ये एज अ सब्जेक्ट तो हमने अब स्टार्ट किया है बहुत ज़्यादा पढ़ना, मतलब समझ लें कि 20वीं सदी के अंदर, बट उससे पहले तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या था कि फ्रॉम द बिगनिंग जब से दुनिया बनी है तो काउंटिंग हर जगह पे अवेलेबल थी. हर चीज़ को काउंट करके जो है वो आगे जो है वो चीज़ें कोड की जाती थी, ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ें को जो है वो फॉरकास्ट भी किया जाता था. जहाँ पे काउंटिंग इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, हम आज डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को और उसके अंदर जो की टर्म्स यूज़ होती हैं उसके अंदर जो बेसिक्स कुछ हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करती है आपके पास? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपके पास जो है वो आपका कलेक्शन है, आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. यानी स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? स्टैटिस्टिक्स का काम है कि आपका डेटा कलेक्शन, देन उसके बाद डाटा की प्रेजेंटेशन है, डाटा का एनालिसिस है और देन उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन है. ये बेसिक काम है जो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास कितनी फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होती है तो हम यहाँ पर दो मेन टाइप्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी. तो पहली आपके पास क्या होगी? फर्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. हम पहले देखते हैं व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है आपके पास? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट वो होती है जिसके अंदर आपके पास काउंटिंग आती है, प्रेजेंट कैलकुलेशन आएगी, आपके पास प्रेजेंटेशन आती है, यानी आप मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर जो है वो अपने डाटा को
इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि जब भी आप कोई डाटा को कलेक्ट करेंगे, कोई डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो मैनिपुलेट किया जाएगा, और मैनिपुलेट करने के बाद उसके ऊपर कोई आप स्टैटिस्टिकल मेजर्स अप्लाई करेंगे, तो वो जो कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है सारा, वो सारा आपका किधर आता है, वो सारा आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो काउंट होता है। दूसरा जो मेन इसका एस्पेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपके पास क्या है, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या करता है आपके पास, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का काम ये होता है कि यहाँ आपके पास जो चीज़ डिसीजन मेकिंग से कंसर्न होती है, यानी आप समझ लें कि जो चीज़ आपके पास क्या हो, जिससे जो लीड करती है वो आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए या फॉरकास्टिंग के लिए, वो चीज़ आपके पास कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है आपकी स्टैटिस्टिक्स के दूसरे पार्ट में, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब आपने जनरली जो है वो अक्सर एवरेज का नाम सुना होगा, जो एवरेज आप सुनते हैं, और एवरेज में भी आपने एक सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आप बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, जिसे आप कहते हैं मीन। तो मीन आपके पास क्या है, बेसिकली मीन आपको बताता है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। ठीक है जी, यानी आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो है वो हम मीन वैल्यू निकालते हैं कि उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, वो सेंट्रल वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो सब क्या है, उसका जो अगर हम ग्राफ पे उसको शो कर रहे हैं, वो जो ग्राफ बना रहे हैं, वो सब हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर चला जाता है। यानी आप समझ लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जो है वो किसी फैक्ट्री का जो है वो डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फैक्ट्री के अंदर जो है वो जार की फिलिंग्स हो रही हैं, अब वो जार की फिलिंग्स के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं कि ये जो जार की फिलिंग है वो अप टू मार्क हो रही है या नहीं हो रही। ये जार 500 ग्राम्स का है, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डाटा कलेक्शन है जार की फिलिंग की, उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हमारी जो फैक्ट्री के अंदर मशीन है, क्या वो 500 ग्राम्स जो है वो फिल कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी, तो वहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो मशीन है वो जो है वो फिलिंग सही कर रही है, या जो मैन्युफैक्चरर है उसका क्लेम बिल्कुल सही है कि हाँ ये मशीन जो है वो 500 ग्राम्स फिल कर रही है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो इन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग को लीड करता है, और वहाँ वो बताता है कि हाँ ये जो मशीन है वो सही फिलिंग कर रही है, या ये मशीन जो है वो फिलिंग सही नहीं कर रही। उससे आप डिसाइड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आगे की बात है, उससे आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मशीन हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है जी, अगर वो मशीन सही फिलिंग नहीं कर रही तो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो इट विल लीड टू डिसीजन मेकिंग। तो वो हमारे लिए क्या कराता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ हमारे पास, जब हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं, तो इसके साथ साथ हम कुछ जो है वो लिमिटेशंस को भी देखते हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या है आपके पास, लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि जहां आपकी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ना हो सके, और वो क्या है आपके पास, दो पार्ट्स में होती है। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई यूनिट डेटा हो, यूनिट डेटा का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन आ जाए। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन आती है, मिसाल के तौर पे कि एक क्लास के अंदर जो है वो 40 बच्चे हैं, और उसमें टेस्ट अनाउंस कर दिया जाता है। अब टेस्ट अनाउंस करने पे क्या हो गया, टेस्ट अनाउंस करने के ऊपर, क्योंकि टेस्ट से सब घबराते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, 40 में से 39 स्टूडेंट्स जो थे वो उस दिन जो है वो क्लास बंक कर जाते हैं, और एक बच्चा आकर जो है वो टेस्ट अपीयर करता है। तो वो जो एक बच्चा आके टेस्ट अपीयर करता है और कुछ मार्क्स ऑब्टेन करेगा, तो उस एक बच्चे के जो ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है जी, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आएंगे, उससे हम अपनी स्टैटिस्टिक्स के कोई भी मेजर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा यूनिट डेटा हो जाएगा। यूनिट डेटा का मतलब, अगर हमारे पास किसी डेटा के अंदर सिर्फ सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो वो हमारी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। देन दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि आपके पास डेटा अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है जी, कांस्टेंट डेटा मिल जाए आपको। कांस्टेंट डेटा से क्या मुराद है, कांस्टेंट डेटा से मुराद ये है आपके पास कि 40 लोग थे क्लास में, 40 लोगों के अंदर टेस्ट अनाउंस किया गया, और 40 लोग जो थे वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर आ गए,
या समझ लें आप के सब ने मिलकर प्रिपरेशन कर ली, और जो टेस्ट में अपियर हुए उन सब ने सारे इक्वल मार्क्स स्कोर कर दिए, यानी कोई मिस्टेक ही नहीं करी, MCQs बेस्ड टेस्ट था और सब ने जो है वो सही स्कोर कर दिया। यानी 40 लोगों की ऑब्जर्वेशंस में हमें जो मार्क्स ऑब्टेन हुए वो सबके सेम थे, यानी 10 मार्क्स का अगर आपके पास पेपर था वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन जो पेपर था आपका वो 10 मार्क्स थे उसके अंदर, और वो तमाम स्टूडेंट्स ने क्या किया 10 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, तो वहाँ आपके पास ऑब्जर्वेशंस तो 40 आ गई बट वो डाटा क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया। When the data becomes constant, it means के वहाँ आपके पास क्या हो गई statistics की limitation हो गई, वहाँ statistics आपकी apply नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप उसके ऊपर कोई भी measure apply करेंगे, कोई भी आप central value की calculation करेंगे तो उसमें कोई changes नहीं आएंगे। अगर हम वहाँ पर deviation calculate करेंगे तो deviation ही नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि जब data constant होगा तो उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई deviation का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहाँ आपके पास क्या होगी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन हो जाएगी। ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है, ये जो दो आपकी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है, यूनिट डेटा होना और कांस्टेंट डेटा होना, इसी को ऑपोजिट करेंगे तो इट विल बिकम द एप्लीकेशन। अगर हम यूनिट डेटा से हट जाएं, यूनिट डेटा का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन जो आपको मिली वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, इट मींस यू कैन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स ऑन दैट डाटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये कि अगर लिमिटेशन जहाँ पे आ रही है, जिस चीज़ पे लिमिटेशन है, अगर उसको ऑपोजिट कर देंगे हम तो एप्लीकेशन बन जाएगी। अगर एक ऑब्जर्वेशन होना मेरे लिए लिमिट है तो इसका मतलब है टू या मोर देन टू ऑब्जर्वेशंस का होना मेरे लिए क्या हो जाएगा एप्लीकेशन का बायस बन जाएगा, वहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर डाटा आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट डाटा का मतलब क्या था कि ऑब्जर्वेशंस तो 40 थी मेरे पास, 40 ऑब्जर्वेशंस में तमाम वैल्यूज सेम थी, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिमिट हो गई, वहाँ मैंने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा व्हेन डाटा बिकम्स वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि 40 लोगों ने जो टेस्ट दिया उन सब के मार्क्स जो थे वो कम ज़्यादा आए, ठीक है, एक जैसे मार्क्स नहीं है। जब वो कम ज़्यादा मार्क्स आएंगे इसका मतलब है कि अब मैं वहाँ पर जो है वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकता हूँ। इसकी सिंपल एग्जांपल ये समझ लें आप कि अगर कांस्टेंट डेटा में 40 लोगों के एक ही मार्क्स हैं तो मैं किसी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है या किसको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जब हमारे पास डेटा वेरिएबल होगा तो किसी के मार्क्स ज़्यादा होंगे किसी के मार्क्स कम होंगे, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी के मार्क्स ज़्यादा और किसी के मार्क्स कम होने की सूरत में हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो है वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है जी, ये जो है वो कम पढ़ने वाला बच्चा है, इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जो हम चीज़ें अपने डेटा को ऑब्जर्व करके इस्तेमाल करेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन। तो दो मेन चीज़ें जिसको हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आई। अच्छा, फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो मेन सेंसेस आते हैं, ठीक है जी, वो क्या है आपके पास, एक कहलाता है आपका दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सेंस, ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगुलर सेंस में भी यूज़ की जाएगी और स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास प्लूरल सेंस में भी रिकॉर्ड की जाएगी। अब सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस का मतलब क्या है, सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होगा कि अगर हमने जैसे भी बात करी एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर 40 स्टूडेंट्स में से मैं किसी एक स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं उसके तमाम सब्जेक्ट्स की इवैल्यूएशन करके मैं उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो स्टैटिस्टिक्स की है वो इन सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल की जा रही है, यानी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ किसकी, प्लूरल सेंस की बात करूँ, तो प्लूरल सेंस का मतलब क्या होगा आपके पास, प्लूरल सेंस का मतलब क्या है कि जब मैं 40 स्टूडेंट्स की क्लास को कलेक्टिवली काम करूँ, ठीक है जी, अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँगा एक स्टूडेंट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि उसके पांच सब्जेक्ट्स के क्या रिजल्ट्स हैं और उसकी क्या ग्रेडिंग बन रही है, तो वो कहलाएगी आपके पास स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, ठीक है जी। और जब मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ कि कलेक्टिवली पूरी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है जी,
आप मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे पास जो है वो 5 क्लासेस हैं, और 5 क्लासेस के अंदर जो है वो मैंने क्या किया, हर क्लास की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करी। तो हर क्लास की जब मैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करूँगा तो हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 30 हैं। तो अब वो क्या हो जाएगा, जब पूरी क्लास की कलेक्टिवली हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ जो आप स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स की कुछ जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है वो आगे पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स दो मेन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्राफ्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगी। और इन्फ्रेंशियल के अंदर क्या होगा आपके पास, इन्फ्रेंशियल के अंदर आप डिसीजन मेकिंग थ्योरीज के ऊपर काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरीज के अंदर बताते हैं आप और इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पे ये क्या होता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करी है, ठीक है जी, कि आपका यूनिट डेटा होगा और कॉन्स्टेंट डेटा होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ आपके पास डाटा आपका यूनिट कांस्टेंट होने की वजह से स्टैटिस्टिक्स लिमिट हो जाएगी वहाँ पे। और अगर इसकी ऑपोजिट पे ले जाएंगे हम, तो इसकी ऑपोजिट पे जाने से क्या हो जाएगा कि इसकी ऑपोजिट पे जाने से वो स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अब ये जो पूरी स्टैटिस्टिक्स घूम रही है, ठीक है, ये जो पूरी स्टैटिस्टिक्स का काम हो रहा है वो किसकी बेसिस पे हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा की बेस पे हो रहा है, ठीक है। यानी आपके पास क्या होगा, जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तो आप डाटा के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो इट मींस क्या है कि आप जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते, सही है। तो अब हम मूव करते हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स को बेसिक नीड्स में हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और आपके पास कितने सेंसेस के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं। अब हम मूव कर रहे हैं डेटा के ऊपर। तो जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन के लिए आपके पास डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास डाटा नहीं है इट मींस कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं डाटा के ऊपर। डाटा आपके पास जो है उसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है जी, जो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि आपके पास लेके डाटा में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो डाटा के अंदर आपके पास आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, डाटा की टाइप्स, ठीक है। डाटा की टाइप्स में क्या आएगा आपके पास, डाटा के अंदर टाइप्स के अंदर आपके पास आता है न्यूमेरिकल डाटा एंड कैटेगोरिकल डाटा। अच्छा जी, न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल डाटा का मतलब है कि वो डाटा जो आपके काउंट्स के अंदर या मेजरमेंट के अंदर काम आ जाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, दैट विल बिकम योर न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मींस आपके पास, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने जो है वो क्लास के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट मेजर करनी है, तो जो आप हाइट मेजर करेंगे दैट विल बिकम योर न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है जी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो न्यूमेरिकल डाटा कहलाएगा, क्योंकि जो हाइट की आप मेजरमेंट करेंगे वो किस फॉर्म में होगी, वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगी, 5 feet 5 inches, 5 feet 8 inches, 5 feet 6 inches, 6 inches, 6 1 6 2, ओके, क्लियर हो गई बात ये। तो न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या है कि जिसके अंदर काउंट हो या मेजर्स हों, ठीक है। या मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बताइए कि आपके पास जो है वो रूम के अंदर कितनी चेयर्स की अवेलेबिलिटी है, रूम के अंदर जितनी चेयर्स की अवेलेबिलिटी होगी दैट विल बी योर न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि जो चेयर्स की अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, वो काउंटिंग से जाएगी, ठीक है जी, वो काउंट किया जाएगा, काउंट करने पर ही आपको मिल जाएगी। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा टाइप आपके पास क्या है, कैटेगोरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मीन्स काउंट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो आपके पास क्या होगा, वो काउंट्स एंड मेजरमेंट्स की बेसिस पे बनेगा, ठीक है जी। और मैं अभी बताता हूँ कि इसके अंदर और भी किस नाम से जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं।
और कैटेगोरिकल डेटा जो होता है आपके पास वो सर्टेन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर जो है वो किया जाता है, ठीक है जी। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब क्या है कि जो कैटेगरीज की फॉर्म में कोई चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको मिल रही है अगर, तो वो किस में जाएगी, वो आपकी जाएगी कैटेगोरिकल डेटा के अंदर। लेट सपोज कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूं कि भाई ज़रा आप तमाम लोग अपने ब्लड ग्रुप का डाटा कलेक्ट कर लें, ठीक है जी। एक किसी बच्चे को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसने जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप का डाटा कलेक्ट किया। जब वो तमाम ब्लड ग्रुप्स के डाटा को कलेक्ट करेगा तो वहाँ आपके पास क्या होगा, वहाँ आपके पास जो है वो मेजरमेंट नहीं आएगी, काउंट नहीं आएगा, वो कैटेगरीज में आएगा, ठीक है जी। अब ब्लड ग्रुप की कैटेगरीज क्या है आपके पास, एज़ यू ऑल नो दैट ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये क्या आपके पास, दैट विल बी योर कैटेगोरिकल डाटा, कैटेगोरिकल डाटा जिसमें आपके पास क्या हो, कोई कैटेगरी आ जाए, ठीक है जी। अब ये ब्लड ग्रुप क्या है, इसके अंदर कैटेगरी है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है जी, वो एक अलग बात है, ठीक है जी, वो एक अलग बहस है, समझ लें आपके वो एक अलग काउंट डेवलप हो जाएगा। बट जो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप लोगों को, ठीक है जी, कि फलां लोगों का ये ब्लड ग्रुप है, तो वो आपके पास क्या होगा, दैट विल बिकम योर कैटेगोरिकल डाटा। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे अभी कुछ चीज़ों के अंदर, डाटा के अंदर ही, तो उसके अंदर ये चीज़ें और आपको जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो डाटा का कलेक्शन है। जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, तो कलेक्शन कितने वेज में की जा सकती है। डाटा कलेक्शन जो होती है आपके पास वो दो मेन तरीकों से की जाएगी। एक कहलाती है आपके पास प्राइमरी डेटा सोर्स, ठीक है जी, एक कहलाएगी आपके पास सेकेंडरी डेटा सोर्स, ठीक है। एक प्राइमरी डेटा सोर्स है और एक सेकेंडरी डेटा सोर्स है। जब भी हम डेटा कलेक्शन पे जाते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें डेटा की नीड है, और डेटा की नीड के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जब डेटा कलेक्शन के लिए हम जाते हैं तो डेटा कलेक्शन के अंदर हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्स कहलाती है और एक सेकेंडरी सोर्स कहलाती है। प्राइमरी सोर्स डेटा का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद जाकर कोई डेटा कलेक्ट करें, ठीक है जी, जब हम कोई चीज़ का डेटा खुद जाके कलेक्ट करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे कि मैं जो है वो आपको क्लास में कोई टास्क दे दूँ कि आपने जो है वो अपने एरिए के अंदर से जो है वो डेटा कलेक्ट करना है कि हाउ मैनी, मतलब आपकी गली के अंदर जितने लोग रहते हैं उनके ब्लड ग्रुप का डेटा कलेक्ट करना है आपको, तो अब क्या होगा, आपको पर्सनली जाकर वो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपकी गली के अंदर जो है अगर 10 घर हैं तो 10 घर में जितने लोग रहते हैं उनका आपने डाटा बनाना है, और डाटा बनाकर आपने जो है वो उनको बताना पड़ेगा आपको जाकर। जब भी प्राइमरी डाटा सोर्स होती है तो आपको वहाँ जाके अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, आपको अपना टास्क बताना पड़ता है कि हम ये चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें ये डाटा की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइमरी डेटा सोर्स क्या कब होती है आपके पास, अक्सर कंपनी के लोग, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, प्रमोशनल बेसिस के ऊपर आपके घरों पे लाके चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है जी। और वहाँ पे आपके पास क्या कर रहे होते हैं, वहीं पे खड़े खड़े आपसे वो आपको चीज़ बेचने के लिए वो आपको चीज़ें बता भी रहे होते हैं और साथ साथ आपसे एक डेटा कलेक्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स लेते हैं वो, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो सर्वेस करती हैं, वो फील्ड सर्वेस के अंदर क्या करते हैं, वो फील्ड सर्वेस के अंदर यही कर रहे होते हैं कि आपके पास आता है, आपको बंदा कहता है कि हमने प्रमोशन के अंदर ये दो चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं और इतना आपको डिस्काउंट हो जाएगा। जब आप उनको मना कर देते हैं या आप उनसे ले लेते हैं वो चीज़, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आपकी थोड़ी रिक्वायरमेंट है, आपकी डिटेल्स चाहिए मुझे, तो जो चीज़ वो आपको बेच रहे होते हैं उससे रिलेटेड वो आपसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो आपको कोई सर्फ बेच रहे हैं या आपको कोई वो ऑयल बेच रहे हैं या आपको वो कोई साबुन बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो क्यूरी ले लेते हैं आपसे कि आपके पास कौन सा जो है वो साबुन इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। तो उस डेटा, वो जो प्राइमरी डेटा सोर्स होती है, कंपनी क्या करती है उस डेटा को, अब आप सोचें कि स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन कैसी है कि उस प्राइमरी डेटा से वो ये आइडेंटिफाई करती है कि किस रीजन में हमारी सेल्स जो है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है जी, या हमें किस एरिया के ऊपर वर्कआउट करना है।
तो ये आपके पास क्या है कि जो फील्ड सर्विस के अंदर जाते हैं लोग, वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको प्राइमरी डेटा सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करके दे रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप प्राइमरी डेटा सोर्स से जो है वो लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई पर्सनल टास्क दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये फला फला डेटा जो है वो आपने ये कलेक्शन पे लेके कलेक्ट करके खुद लेकर आना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको जाना पड़ेगा और जाकर आप वो डाटा जो है वो कलेक्ट करके या फेच करके लेकर आएंगे। उसके मैनिपुलेशन की चीज़ें जो हैं, उसके ऊपर जो वर्कआउट करना है, वो हम आगे देखेंगे, आगे सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस जो हैं वो हम कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा सोर्स के बाद फिर हम जाते हैं सेकेंडरी सोर्स डेटा पे। सेकेंडरी डेटा सोर्स क्या होती है आपके पास, जिसे हम आम जबान में पब्लिश डेटा कहते हैं। पब्लिश डेटा क्या होता है आपके पास, कि अगर किसी ने कोई वर्कआउट किया हुआ है, ठीक है जी, पहले, और हम उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेटा कलेक्शन को ही इस्तेमाल करते हुए अपना वर्कआउट करके उसको और मज़ीद उस काम को आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि मुझे अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर काम करना है, या मुझे जो है वो बैंक के किसी सेक्टर के ऊपर मुझे कोई जो है वो अपनी रिसर्च करनी है, मुझे कुछ वर्कआउट करना है, तो जो बैंक का डेटा है मेरे पास, अगर मैं वो बैंक का डेटा कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइमरी डेटा सोर्स के थ्रू अगर मैं डेटा कलेक्ट करने जाऊं, तो वो जो बैंक की जो डिटेल्स हैं उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि मुझे जो है वो किसी पर्टिकुलर बैंक की डिटेल्स मिल जाए। बट उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। बैंक अपनी पूरी एनुअल रिपोर्ट जो शाया करता है, पब्लिश करता है, उसके अंदर वो अपनी तमाम चीज़ों की डिटेल्स देता है, यानी अपनी पूरी फाइनेंशियल्स की डिटेल्स जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है वो पब्लिश करता है। तो चाहे वो एक बैंक हो, दो बैंक हो, या 10 बैंक हो, अब अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर कुछ वर्कआउट करना है, या बैंकिंग से रिलेटेड किसी काम के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर मुझे रिसर्च करनी है, तो मुझे फिर उसके लिए हर बैंक के अंदर जाकर जो है वो डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बैंक का जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर उसके फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके सिर्फ उसके फाइनेंशियल्स को देखने के लिए उसकी एनुअल रिपोर्ट चाहिए मुझे, और एनुअल रिपोर्ट जो है वो ईजीली मुझे इंटरनेट पर अवेलेबल होगी, तो मुझे एक क्लिक के ऊपर जो है वो क्या होगा, एक बैंक की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब मुझे 10 बैंक्स चाहिए, 15 बैंक्स चाहिए, जितने भी बैंक्स की मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ऑन वन क्लिक वो क्या कर सकता हूँ, वो डाटा फेच कर सकता हूँ। तो डैट विल बी योर पब्लिश डाटा जो कि हम यूज़ करेंगे, वो कहलाती है आपके पास क्या, सेकेंडरी डेटा सोर्स, ठीक है जी, वो आपके पास कहलाती है क्या, दैट विल बी योर सेकेंडरी डेटा सोर्स। अब ये दो आपके पास जो थी वो कलेक्शन थी, मतलब आपके पास एक हो गई प्राइमरी डेटा सोर्स कलेक्शन और एक हो गई सेकेंडरी डेटा सोर्स कलेक्शन। आई होप कि अब आपको जो है वो डेटा कलेक्शन जो है वो उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने में आप कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। स्केल्स भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है जी, अभी हम स्केल्स पे बात नहीं कर रहे, अब हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं। जब हम डेटा के ऊपर बात करते हैं, तो डेटा कलेक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके डेटा के। डाटा के दो मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं आपके पास, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। और सैंपल आपके पास क्या होता है, इट्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर व्हाट डज पॉपुलेशन मीन, अब नॉर्मली आप क्या कहते हैं, नॉर्मली आपका मतलब क्या होता है, नॉर्मली पॉपुलेशन का मतलब है कि आबादी, ठीक है जी, आबादी कितनी आबादी है भाई, कराची की आबादी इतनी है, पाकिस्तान की आबादी इतनी है, इंडिया की आबादी इतनी है, तो इसके लिए हम लव्स पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है आपके पास, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो लव्स पॉपुलेशन है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जिस डाटा पे हम काम करते हैं, जब हम उसको पूरा एज अ होल कंसिडर करेंगे, वो मेरी पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अभी हम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम बीबी की कोई पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, या बीएस की कोई पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, और हम उस क्लास की तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो क्लास है, उसके अंदर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए क्या होंगे, पॉपुलेशन हो जाएंगे, ठीक है जी।
क्लियर हो गई बात ये, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को अगर मैं एज अ होल काउंट करूँगा तो वो मेरे लिए पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एम्स, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं पूरे एम्स की बात कर रहा हूँ, तो पूरे एम्स में जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं मेरे पास, वो मेरी पॉपुलेशन बन जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीबीए प्रोग्राम, तो अब बीबीए प्रोग्राम वाले जो हैं वो मेरे लिए पॉपुलेशन है। जब बीबीए वाले मेरे लिए पॉपुलेशन है तो इसके बाद जो भी बाहर लोग हैं उनका मुझसे कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसको एज अ होल अगर हम ले लें तो वो मेरे लिए क्या होगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन का काउंट कम भी हो सकता है, पॉपुलेशन का काउंट ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर एक क्लास है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, उस क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो 10 स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनको पूरे सबको एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे, वो हमारे लिए एज अ पॉपुलेशन कंसीडर किए जाएंगे। जो भी सिस्टम पे हम काम करते हैं, ठीक है जी, वो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगी। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कराची यूनिवर्सिटी, तो अब क्या होगा, कराची यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट मेरे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। दूसरा जो आपके पास चीज़ है वो क्या है आपके पास, दैट इज़ द सैम्पल। सैम्पल क्या है आपके पास, सैम्पल जो है वो आपके पास इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये सबसेट आपने जो है वो अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर जो सेट्स का चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि एक बड़े सेट के अंदर से अगर हम कुछ छोटे सेट्स निकाल लें तो वो कहलाते हैं सबसेट्स। तो पॉपुलेशन का सबसेट जो है वो क्या है, वो कहलाता है सैम्पल। कहीं कहीं ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास पूरी कैलकुलेशन करने के लिए पॉपुलेशन जो होती है वो मोर देन इनफ हो जाती है, तो आप पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो अपनी पॉपुलेशन के सबसेट्स पे काम करना पड़ता है। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल एक लेमैन एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मुझे उनकी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड एवरेज हाइट चाहिए, ठीक है जी, तो एस्टिमेटेड एवरेज हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड एवरेज हाइट का मतलब क्या होगा आपके पास यहाँ पर, कि अब मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं, और अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा कलेक्ट करने बैठ जाऊँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो एक बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए इतना टाइम स्पेंड करना इट्स नॉट रीजनेबल थिंग। तो अब क्या करेंगे हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी पॉपुलेशन के अंदर, अब हमें पता है कि मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और 10,000 से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स हैं, तो 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका वे आउट क्या निकाला, हम ऐसा करते हैं अपने पॉपुलेशन को सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आपके पास जो हैं वो क्या हैं, 50 आपके पास जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या किया हर डिपार्टमेंट में से 50 स्टूडेंट्स के सैम्पल्स को ले लिया। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2,500 का सैम्पल बन गया, जहाँ मोर देन 10,000 लोग थे। अब हमने क्या कर दिया, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सिर्फ 2,500 सैम्पल के तौर पर ले लिए, तो मोर देन 10,000 पे काम करना और 2,500 पे काम करना दोनों में क्या है, बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2,500 पे काम किया जाएगा, यानी सैंपल पे काम किया जाएगा, और उस पर सैंपल पे काम करने के बाद उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ एडवांटेज कि पॉपुलेशन जहाँ पे आपके पास एक्सीड कर जाती है और पॉपुलेशन को हम कवर नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से हम लेते हैं सैंपल को, वहाँ से हमने लिया सैंपल, सैंपल पे वर्किंग करी, स्टैटिस्टिकल टूल सारे सैंपल पे अप्लाई किए, और देन उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस पूरे डाटा को इम्प्लाई कर दिया पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एवरेज एस्टिमेटेड आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन के ऊपर वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी, फ्रैक्शन ऑफ एरर्स हैं वहाँ पे, ठीक है जी, जो एरर की फॉर्म होती है वो डेविएशंस हैं कुछ, और वो डेविएशन जो हैं वो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हम इस्तेमाल करेंगे हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या हो गया,
डेटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा की फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। ये जो आपके डेटा टाइप्स हैं, डेटा की कलेक्शन हमने आपको यहाँ पे बताई कि डेटा कलेक्शन जो है वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म में की जा सकती है। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो गया, डाटा के अंदर हमारे पास जो दो मेन एस्पेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, पॉपुलेशन एंड सैम्पल। कहीं पे पॉपुलेशन जो होती है यानी तमाम लोगों को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सबको ले रहे हैं, तो वो इतने नहीं होते कि उसके अंदर से हम सैंपल लें तो हम डायरेक्ट पूरा काम पॉपुलेशन पे कर लेते हैं। बट जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन पे जाएं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे सैंपल पे करते हैं काम। जितनी रिसर्चेज होती हैं आपके पास, आपने देखा होगा कि जितनी रिसर्चेज होती हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है जी। वहाँ सैम्पलिंग करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं, तो वो पूरे पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर से अपने सैम्पल्स को डिफाइन करते हैं और उन सैम्पल्स से डाटा कलेक्ट करके उनके ऊपर जो है वर्कआउट करते हैं, और उनके ऊपर वर्कआउट करने के बाद अपने रिसर्च एनालिसिस करते हैं, और रिसर्च एनालिसिस करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वो कंक्लूजन जो होता है वो उस पूरी पॉपुलेशन को जो कवर कर रहा होता है उसके लिए होता है, ठीक है। यानी वो सिर्फ सैंपल के लिए नहीं होगा, वो फिर पूरे पॉपुलेशन को कवर करेगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपका जो है वो इट्स ऑल अबाउट द डाटा एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब ये डाटा एस्पेक्ट्स के अंदर आपके पास पूरी चीज़ें आ गई। अब डाटा के अंदर हमने लिमिटेशन, जब स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन थी तो हमने क्या कहा था आपको कि वहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। वो कांस्टेंट होता है अगर डाटा, तो वो लिमिट कर जाता है। तो डाटा का वेरिएबल होना ज़रूरी है। जब डाटा वेरिएबल होता है आपके पास तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी, ठीक है जी, हम डाटा को कैसे लेते हैं, हम यहाँ शो करते हैं आपको कि यहाँ आपके पास जो है, मैं आपको बताता हूँ कि डाटा अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी क्या क्या चीज़ें कैसे बनाएंगी। डाटा जब वेरिएबल होगा आपके पास तो वो दो मेन एस्पेक्ट्स के अंदर लिखा जाएगा, एक क्वांटिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है जी, और एक जो होगा वो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, जो जैसे अभी हमने देखा जो कि काउंट से रिलेटेड हो, ठीक है जी, या आपके पास क्या हो, आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, काउंटिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी, और या मेजरमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं आपके पास, वो आपके पास जो होते हैं वो कैटेगरी के फॉर्म में हो जाते हैं, सही है जी। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल काउंट और मेजरमेंट्स की फॉर्म में जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। और ये जो काउंट और मेजर कर रहे होते हैं आप, वो क्या है आपके पास, जो काउंट होगा उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है जी, और जो मेजर कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, या तो काउंट होते हैं या मेजर किए जाते हैं, ठीक है जी। जो काउंट करेंगे हम वेरिएबल्स को, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम काउंट कर रहे होंगे वो हमारे क्या होंगे, दैट विल बिकम योर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, यानी काउंट करने को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप जो है वो दो पेंसिल्स खरीद लें, ठीक है जी, ये तो आप समझ सकते हैं ना। अगर आपसे कहा जाए कि आपने पेंसिल खरीदनी है तो आप फौरन कहेंगे कितनी पेंसिल्स खरीदनी है, तो आपको कितनी पेंसिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कहा जाएगा कि भैया आप दो पेंसिल्स खरीद लें, ठीक है जी, या आप तीन पेंसिल्स खरीद लें, ऐसी है। अगर आपको कहा जाए कि भाई आप जो है वो ढाई पेंसिल खरीद लें, 2.5 पेंसिल्स परचेज कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, क्या आप वहाँ पे जाके उसको कहेंगे कि आपने टू पेंसिल्स पूरी चाहिए आपको और एक पेंसिल आप मुझे हाफ़ दे दें, बट वो हाफ़ नहीं हो सकती क्योंकि वो ब्रेकेबल फॉर्म में नहीं आती, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास, दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। वो चीज़ें जो ब्रेक नहीं हो सकती, होल काउंट की जाती हैं, वो हमारे पास क्या होंगी, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है जी। जो चीज़ें मेजर की जाती हैं, मेजर करने वाली चीज़ें क्या होती हैं आपके पास, मेजर करने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो काउंट ना कर सकें, ठीक है। जब आप घर में आप होते हैं तो आपके घर वाले आपको मिसाल के तौर पे कहते हैं कि भाई आपने चावल लेकर आने, तो चावल लाने के लिए वो आपसे क्या कहते हैं, चावल लाने के लिए आपको वो कहते हैं कि आप दो चावल लें, नहीं, वो आपसे कहेंगे कि एक केजी चावल लें,
एक किलो चावल ले आए या आधा किलो चावल ले आए, तो जो चावल है बेसिकली आपके पास, जो राइस है आपके पास, वो क्या किया जाएगा, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट विल बी मेजर्ड। ठीक है, तो कुछ आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं जो मेजरमेंट में जाते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपके पास काउंटिंग में जाते हैं। तो जो मेजरमेंट में जाते हैं वो आपके पास क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल्स की फॉर्म में जाते हैं, और जो आपके पास काउंट में जाएंगे आपके पास, वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स की फॉर्म में जाएंगे। यानी आपके पास दो मेन टाइप के जो हैं वो वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, या तो आपका वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या वेरिएबल आपका कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, वो तमाम चीज़ें जो काउंटेबल फॉर्म में होंगी, ठीक है जी, उनको मेजर नहीं कर सकते आप। जैसे आपने नंबर ऑफ़ चेयर्स की बात करी, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स की बात करी, नंबर ऑफ़ पीपल की बात करी, ये क्या है आपके पास, दे ऑल विल बिकम योर डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चीज़ आप काउंट करते हैं, ठीक है जी, जो चीज़ आप मेजर करते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब है कि जो चीज़ आप मेजर करेंगे, यानी आपके पास क्या है, हाइट है, आप मेजर करेंगे, ठीक है जी, आपके पास वेट है, आप मेजर करेंगे, ठीक है, और जो भी चीज़ है आपके पास जो मेजर फॉर्म में होती है, जो काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो कहलाती है क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल। ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये आगे जाके आपके क्वेश्चन के अंदर जब हम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये डिफरेंस रखते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी शो हो रही हो। क्वालिटी शो का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी आपको ब्लड ग्रुप वाली, तो ब्लड ग्रुप क्या है आपके पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कि वहाँ आपके पास जो है वो काउंट नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी है। जब हम उसके डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, भाई क्वालिटेटिव वेरिएबल के डाटा को जब रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप का डाटा रिकॉर्ड करेंगे हम, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम के आगे उनके ब्लड ग्रुप को लिखा जाएगा ना, कि अली के आगे लिखा जाएगा बी पॉजिटिव, ठीक है जी, अहमद उसके आगे नाम के साथ जो लिखा जाएगा बी नेगेटिव, ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है वो सलमान उसके आगे नाम के लिखा जाएगा ए बी पॉजिटिव। तो आपके पास क्या है, अब ना यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, ना यहाँ पे मेजरमेंट हो रही है, ये एक क्या है, क्वालिटी को आप नोट डाउन कर रहे हैं। तो जहाँ आप क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं, तो वहाँ हम किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है क्वालिटी है, ठीक है जी, नंबर ऑफ कलर ऑफ आईज है, कलर ऑफ आईज क्या है आपके पास, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आई कलर्स होते हैं। नॉर्मल लोगों के जो मेजरली हैं वो ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं, बट ब्लैक एंड ब्राउन के बाद ब्लू भी शेड मिलेगा, ग्रीन शेड भी मिलेगा, तो ये क्या है आपके पास, दे आर द क्वालिटीज, ठीक है जी, इसके कोई नंबरिंग नहीं है। इसी तरीके से डिग्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी, जो एजुकेशन है आपके पास वो क्या है, एजुकेशन भी आपके पास क्या है, ये क्वालिटी है आपके पास। एक कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, तो वो 10 लोग ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो साइंस मैट्रिक हों, प्री इंजीनियरिंग से उन्होंने इंटर किया हुआ हो, और कॉमर्स का ग्रेजुएट्स हों, और उन्होंने जो है वो MBA किया हो, ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होगा, मैट्रिक सबका साइंस का होगा, तो हो सकता है 4 लोगों का इंटर जो है वो प्री इंजीनियरिंग का हो, 2 प्री मेडिकल के हों, और बाकी जो है वो आर्ट्स वाले, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ग्रेजुएशन के अंदर भी आपके पास क्या है, कि जब हम किसी की डिग्री की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, एजुकेशन की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो क्या है आपके, उसकी क्वालिटेटिव वेरिएबल में चली जाती है चीज़, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जो है वो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है इस सेशन के अंदर, ठीक है जी। इस सेशन के अंदर हमने जो है वो डाटा के एस्पेक्ट्स को डिफरेंस मतलब डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, डाटा की टाइप्स को डिस्कस कर लिया है हमने यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो हमने डाटा की क्लासिफिकेशंस हैं हमने उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है अपने इस फर्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास अगर कोई भी इससे थ्योरी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के जो थ्योरी है उसको अगर आप गो थ्रू करना चाहें, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस फर्स्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो बेसिक्स को कवर किया है, इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो इसके कुछ और मज़ीद टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। कुछ थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है वो कैलकुलेशन के रिलेटेड जो चीज़ें थी बेसिक्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है वो हम अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट के ऊपर भी मूव ऑन करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।